हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद शीतल। दो तीन दिन के बाद करवा चौथ आने वाला है, तो ये वीडियो मैं करवा चौथ स्पेशल आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप लोटा और जो स्टील की छलनी होती है जिससे हम चांद को देखते हैं, उसको कैसे सजाएं। और ये वीडियो मेरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास स्टील की एक छलनी है और एक ये लोटा है। आज हम इन दोनों को ही डेकोरेट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं छलनी को डेकोरेट करूंगी। आप कोई भी छलनी ले सकते हैं, प्लास्टिक की हो, स्टील की हो, कोई भी। मैंने स्टील की छलनी ली है, मेरे पास यही अवेलेबल थी। अब हम कोई भी कपड़ा या कागज, इसकी चौड़ाई का मेजरमेंट लेके उसको काट लेंगे और हम आसानी से फेविकॉल की हेल्प से इसको चिपका लेंगे। फेविकॉल से कपड़ा और कागज़ दोनों ही आसानी से चिपक जाता है। देखिए, मैंने चिपका लिया है और ये बिल्कुल भी उतरेगा नहीं। अब हम लेस हो कोई आपके पास या किरण, मेरे पास किरण थी, मैं वो लगा रही हूँ। हम इसके चारों ओर फेविकॉल की हेल्प से लगा लेंगे। मैंने यहाँ पेपर चिपकाया हुआ है तो किरण भी आसानी से चिपक जाएगी। देखिए, ये आसानी से चिपक गई है। और इसके बाद हम नीचे भी एक लेस चिपकाएंगे। आपके पास लेस नहीं है, किरण है, तो आप किरण का ही यूज़ कर सकते हैं, या कोई रिबन है, आप रिबन यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल हों, हमें वही यूज़ करनी है। देखिए, मेरे पास ये लेस थी, अब मैं ये चिपकाऊंगी और ये भी फेविकॉल की हेल्प से आसानी से चिपक जाएगी। हमें बाहर से ज़्यादा सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं है। मैं मोस्टली वही चीज़ें बताती हूँ जो आसानी से बन जाए और बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम आपका उसमें ना जाए। देखिए, ये बहुत ईजी काम है, आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर इसको बना लेंगे। अब मेरे पास घर में कुछ मोती, कुछ स्टोन्स, कुछ मिरर्स पड़े थे। आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो, मोती हो, बटन्स हो, इवन ये भी नहीं हो तो बिंदियां होती हैं जो शाइन करती हैं, वो आप कुछ भी इसमें बीच में लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ कि इस पर जो अच्छा लगेगा। मैंने देखो आपके सामने 2-3 चीज़ें ट्राई करके देखी हैं। अब मुझे लगा कि नहीं, इस पर मिरर अच्छे से जाएंगे, तो मैं अब इस पर फेविकॉल की हेल्प से मिरर लगाऊंगी। और ये सब चीज़ें फेविकॉल से आसानी से पेपर पे या कपड़े पे आसानी से चिपक जाती हैं। तो देखिए, बस आपकी ये छलनी मिनटों में ही बनके रेडी हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसे भी सुंदर लग रही है। पर मुझे लगा कि अगर इसमें कुछ लटकन जैसा कुछ हो तो ये बहुत अच्छी लगेगी। मेरे पास कुछ ही बेल्स पड़ी थी, मैं इनको फेविक्विक की हेल्प से चिपका दूंगी। ये घंटियाँ मेटल की हैं, इसलिए मुझे इसमें फेविक्विक यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहें तो पोम पोम या कोई भी ऐसे लेस जो थोड़ी लटकने वाली है उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। या आप वूल के पोम पोम जैसे बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल बन के रेडी है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप मार्केट से लेके आए हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम अपना लोटा डेकोरेट करते हैं। ये सेट दोनों बहुत अच्छे लगेंगे जब साथ में आप यूज़ करेंगे। ये मैंने स्टील का लोटा लिया है, ये ऊपर से थोड़ा नैरो है और पीछे से थोड़ा चौड़ा है, तो मैंने इसके मेजरमेंट के हिसाब से ऊपर की पट्टी 1.5 इंच, नीचे की 2 इंच अलग अलग काटी हैं। और इनको भी मैं फेविकॉल की हेल्प से अच्छे से चिपका लूँगी। अगर आपको लगे कि ये अच्छे से नहीं चिपक पा रही है तो ऊपर की साइड आप छोटे छोटे चुन्नटे देंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगी। अब नीचे मैंने दूसरे कलर की पट्टी ली है, आप चाहें तो कंट्रास्ट में लाइट डार्क कोई भी शेड यूज़ करके दूसरी पट्टी ले सकते हैं। और आप बिल्कुल भी डरिए मत कि अलग अलग दिखेगा, ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब हम लोटे के नेक पे कोई भी लेस या किरण चिपका लेंगे। देखिए, मैंने इसको चिपका लिया है। अब इन दोनों पट्टियों के बीच में मैं ये मिरर्स लगा दूंगी। आप चाहें तो कोई लेस या कोई भी डेकोरेटिव आइटम इस पे लगा सकते हैं और ये देखने में एकदम से अच्छा लगने लगेगा। और ये फेविकॉल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सूखने के बाद एकदम ड्राई हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये दिखेगा ही नहीं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब देखिए, हमारा लोटा काफ़ी हद तक बन के रेडी है, लेकिन नीचे अभी हमें कोई भी लेस या कुछ भी, हमें इस पर एक चीज़ और लगाने की ज़रूरत है। ये मैंने लेस ली है और इसको मैं फेविकॉल की हेल्प से अच्छे से चिपका लूँगी। देखिए, ये बनके एकदम रेडी है मेरा लोटा और कितना सुंदर लग रहा है देखने में।
कोई बता ही नहीं सकता कि ये हमने खुद बनाया है। दो दिन पहले ही मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरती की थाली को कैसे डेकोरेट कर रहे हैं, और कल की भी एक वीडियो शेयर की थी मैंने आपके साथ जिसमें मैंने थालपोश या थाली का कवर कैसे बनाना है घर पर ये शेयर किया था। तो देखिए मेरा पूरा सेट एकदम से बनके रेडी है। आज हमने लोटा और छलनी कैसे बनानी है ये सीखा, और दो पिछली पुरानी वीडियो में जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वहाँ से आप ये दोनों चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। और देखिए हमारा पूरा करवा चौथ का थाली का सेट बिल्कुल रेडी है, और एक बार जब इसको आप बना लेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक आप इनको हर साल यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ उस पर नहीं बताई है जिसको बनाने में ज़्यादा टाइम एनर्जी या पैसा लगे। तो आप मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड्स इन एडवांस। थैंक यू।